हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन। नेक्स्ट, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर लॉस वेगास से, और ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो फ्यूचर देख सकता है, और इसका नाम क्रिश है, जो अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा है और किसी का इंतजार कर रहा है। काफी देर इंतजार करने पर भी वह इंसान नहीं आता, तब ये अपने काम पर चला जाता है। क्रिश अपने फ्यूचर देखने की पावर का इस्तेमाल करके छोटे छोटे जादू का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। और यहीं पर हम एक लेडी ऑफिसर सोफिया को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ क्रिश का जादू देखने आई है। सोफिया का साथी पूछता है, क्या ये आदमी हमारा काम करेगा, और यहाँ पर ये किस काम के बारे में बात कर रहे हैं, आगे जानेंगे मूवी एक्सप्लेन में। क्रिश अपना शो खत्म होने के बाद फिर यहाँ से निकलकर एक कैसीनो में जाता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि क्रिश बुधवार को कैसीनो में आकर जुआ खेलता है, मगर कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सबकी नजरों में आ सकता है। फ्यूचर देखने की पावर इसे कैसे मिली ये नहीं जानता, और ये सिर्फ अगले 2 मिनट का ही फ्यूचर देख सकता है। खैर, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कैसीनो के मालिक को इस पर शक हो जाता है, क्योंकि क्रिश हर गेम हर जुआ खेल रहा था और वो बहुत सारे रुपए जीत चुका था। कैसीनो का मालिक क्रिश पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, मगर जैसा कि हम जानते हैं, क्रिश अपना फ्यूचर देख सकता है, इसलिए अब वो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है, और क्रिश कैसीनो से बाहर निकलने लगता है। मगर तभी यहाँ पर एक चोर आता है, जो कैश काउंटर से पैसे लूटने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में 2 लोगों को वो शूट कर देता है। और ये सब आगे होने वाला था, मगर क्रिश पहले से ही देख लेता है, और इस बार वो चोर जैसे ही अंदर आता है, क्रिश तुरंत उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है, और तभी कैसीनो के मालिक भी अपने लोगों के साथ में आ जाता है। क्रिश को सरेंडर होने को कहता है, जिस पर क्रिश ये बताता है कि ये गन इसकी नहीं है, ये इस चोर की है, जो अभी 2 आदमियों को मारने वाला था। मगर जाहिर सी बात है, क्रिश की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए क्रिश यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। क्रिश एक गाड़ी चुरा कर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर पकड़ नहीं पाते। इस तरफ सोफिया कैसीनो में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे में क्रिश की हरकतें देखती है, और उसे ये पहले ही मालूम था क्रिश फ्यूचर देख सकता है, और अब ये देखकर इसे पूरा यकीन हो गया था। क्रिश वहाँ से भागकर अपने अंकल जॉन के घर पहुँचता है। अंकल जॉन क्रिश को कहते हैं, आखिर तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे, तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते, और क्या तुम्हें वो लड़की मिली जिसकी तुम्हें तलाश थी। क्रिश कहता है, मैंने उसको फ्यूचर में देखा है, वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलेगी, पर कब ये मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर उस लड़की का इंतजार करता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, पुलिस को क्रिश की लोकेशन का पता चल गया है, क्योंकि जिस गाड़ी से क्रिश भागा था उसमें लोकेशन डिवाइस लगी हुई थी। इस तरफ क्रिश और अंकल जॉन आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक क्रिश अंकल जॉन को कहता है, यहाँ पर बहुत जल्दी पुलिस आने वाली है। अंकल जॉन कहता है, तब तो तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मगर क्रिश ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसे जानना था कि आखिर पुलिस इससे चाहती क्या है। तभी सोफिया आ जाती है और क्रिश को सरेंडर करने को कहती है। क्रिश सोफिया को समझाता है, कैसीनो में जो आदमी आया था वो एक चोर था, जो 2 लोगों को मारने वाला था। सोफिया कहती है, हाँ मुझे पता था, मगर तुम ये कैसे जानते हो आगे क्या होने वाला है। मगर सोफिया खुद ही क्रिश को बता देती है सारी बातें, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम आने वाले कल को देख सकते हो, और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुम्हें पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। क्रिश पूछता है, कैसी मदद, जिस पर सोफिया बोलती है, लॉस वेगास में कुछ क्रिमिनल एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकते हो, और हमें फ्यूचर देख के बताओ वो लोग कब और कहाँ बम ब्लास्ट करेंगे, जिससे हम बम ब्लास्ट रोक सकते हैं। मगर क्रिश ऐसे झमेले में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे भी वो आगे आने वाले 2 मिनट का ही समय देख सकता है। सोफिया क्रिश को बोलती है, अगर तुमने तुम्हारी मर्जी से नहीं किया तो हमें तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और तभी सीन में ट्विस्ट आता है, और हमें पता चलता है ये सब तो आगे होने वाला है, क्रिश आगे होने वाली फ्यूचर देख रहा था। अब क्रिश को पता था कि पुलिस इससे क्या चाहती है, इसलिए क्रिश अंकल जॉन के घर से निकल जाता है। सोफिया आकर अंकल जॉन से पूछती है, क्रिश कहाँ पर है। अंकल जॉन कहते हैं, वो तो यहाँ से निकल गया। सोफिया बोलती है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरी तरफ कैसीनो के मालिक से
दो लोग क्रिश के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मगर वो क्रिश के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि सोफिया ने क्रिश के बारे में बताने से मना किया था। फिर ये दो लोग कैसीनो के मालिक को मार देते हैं। तब हमें पता चलता है ये वही क्रिमिनल हैं जो बम ब्लास्ट करेंगे। अगले दिन क्रिश फिर उसी रेस्टोरेंट में जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगता है जिसे क्रिश अपने फ्यूचर में देखता है, और तभी उसी लड़की की एंट्री होती है और उस लड़की का नाम है मारिया। अब क्रिश उस लड़की से बात करने के लिए बार बार समय में आगे जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी मारिया का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो मारिया को परेशान करता है, जिस पर क्रिश बीच में आकर झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है, मगर उल्टा इसी को चोट लग जाती है, जिसके बाद क्रिश और मारिया में बातचीत शुरू होती है। यहाँ पर क्रिश बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके पहले ही जान जाता था मारिया उससे आगे क्या कहने वाली है। कुछ गड़बड़ होती तो क्रिश उसे सुधार लेता। मारिया क्रिश को कहती है मैं दूसरे शहर जा रही हूँ, और क्रिश भी मारिया को झूठ बोलता है, हाँ मैं मुझे भी वहीं जाना है। फिर क्या था, ये दोनों एक साथ यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ सोफिया क्रिश को ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट आ जाती है और क्रिश के बारे में पूछताछ करती है, और सोफिया को मालूम चल जाता है क्रिश कहाँ जा रहा है। फिर हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है इस मूवी के मेन विलेन को, जो इस शहर के अंदर बम ला चुका है और इसे सही जगह पर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग भी क्रिश के बारे में जानते हैं। वह आने वाला कल देख सकता है, जिस पर इनका लीडर कहता है ये सब बेकार की बातें हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा जादूगर है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है अगर ऐसा है तो पुलिस हमें ढूंढने की वजह से क्रिस को क्यों ढूंढ रही है, और हम इस मिशन में किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इस मिशन को अंजाम देने के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द क्रिश को ढूंढ कर उसको मारना होगा। दूसरी तरफ क्रिश और मारिया उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें आना था। मारिया अक्सर यहां आया करती थी। दूसरी तरफ क्रिमिनल और पुलिस क्रिश को पकड़ने के लिए यहां पर आ रहे थे, और कुछ देर बाद सोफिया यहां पहुंच जाती है और मारिया को अपनी कार में बैठाकर क्रिश के बारे में सब कुछ बता देती है, और साथ में ये भी कहती है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, अगर तुमने उसे पकड़ाने में हमारी मदद नहीं की तो वो आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सोफिया मारिया को एक दवा देकर कहती है ये दवा तुम क्रिश को पिलाकर बेहोश कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे, और ये सब बातें जानकर मारिया ऐसा करने को तैयार हो जाती है और क्रिश के पास आकर वो दवा जूस में मिलाकर क्रिश को पीने के लिए देती है। जैसे ही क्रिश जूस पीने वाला था तभी मारिया को एहसास होता है कहीं सोफिया की बात झूठ हुई तो क्या होगा, इसलिए मारिया क्रिश को जूस पीने से रोक देती है और सारी बात क्रिश को बताती है जो सोफिया ने मारिया को बताई थी क्रिश के बारे में। क्रिश कहता है ये सब सच है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ आने वाले समय का, मगर पता नहीं कैसे मैं 2 मिनट के आगे का फ्यूचर भी देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ होता हूँ जब। मगर मारिया क्रिश की बातों पर भरोसा नहीं करती। क्रिश टीवी पर चल रहे प्रोग्राम के डायलॉग पहले ही बोलकर मारिया को यकीन दिला देता है, और ये सब जानकर मारिया को गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मारिया से दोस्ती की, मगर क्रिश के समझाने पर मारिया मान जाती है। इसके बाद क्रिश यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ सोफिया को समझ में आ जाता है मारिया ने उसका काम नहीं किया, और क्रिश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, और कुछ देर में बम ब्लास्ट करने वाले विलन भी यहाँ पर आ जाते हैं जो क्रिश को मारना चाहते हैं। सोफिया क्रिश को पकड़ लेती है। सोफिया क्रिश को बोलती है हमें बताओ वो क्रिमिनल कहाँ पर बम ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि लाखों बेगुनाह लोगों को बचाया जा सके। फिर क्रिश अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, और इस बार क्रिश 2 मिनट से आगे का फ्यूचर देख रहा था। क्रिश के साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये हम आगे जानेंगे। क्रिश आगे होने वाली घटनाओं में देखता है मारिया को उन क्रिमिनल्स ने किसी बिल्डिंग की छत पर बंद करके रखा है जिसके ऊपर एक बम लगा हुआ है, और देखते ही देखते बम ब्लास्ट हो जाता है और साथ में मारिया भी। ये देखकर क्रिश बहुत उदास हो जाता है। सोफिया क्रिश को पूछती है तुमने फ्यूचर में आगे क्या देखा, जिस पर क्रिश कहता है मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा, और क्रिश वहाँ से भागने लगता है। क्रिश उसी बिल्डिंग की छत पर पहुँचता है जहाँ अभी कुछ ही देर में मारिया बम ब्लास्ट में मारे जाने वाली है। सोफिया भी क्रिश का पीछा करती हुई उसी बिल्डिंग में पहुँच जाती है और क्रिश से पूछती है आखिर तुमने फ्यूचर में क्या देखा, जिस पर क्रिश आगे होने वाली सभी चीजों के बारे में सोफिया को बता देता है। सोफिया क्रिश से बोलती है अभी वो घटना हुई नहीं है बल्कि होने वाली है, और तुम इतने उदास मत हो, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सोफिया जल्दी से अपने साथी को फोन लगाती है और कहती है
10 किलोमीटर के एरिया में सभी मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दो, और क्रिश से कहती है जो जैसा होने वाला था उसको वैसा ही होने दो, बाकी हम पर छोड़ दो। इसके बाद क्रिश प्लान के अनुसार छत पर टहलने लगता है, तभी दूर से एक शूटर क्रिश को गोली मार देता है और ये बात वह क्रिमिनल अपने साथी को बताने के लिए फोन करता है, मगर सोफिया ने पहले ही फोन नेटवर्क बंद कर दिए थे जिसकी वजह से इसका फोन नहीं लगता और ये पुलिस के हाथों मारा जाता है। सोफिया क्रिश को बोलती है तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो मरने की, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। और अब ये बताओ वो क्रिमिनल मारियो को किस गाड़ी पर यहाँ पर लाने वाले हैं और उस गाड़ी का नंबर क्या है। फिर क्रिश आगे देखकर गाड़ी का नंबर और वो किस रास्ते से आने वाले हैं सब कुछ सोफिया को बता देता है ताकि ये लोग पहले से ही रेडी हो जाएं। कुछ देर बाद जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचते हैं पुलिस और गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिश पुलिस वालों को पहले ही बता देता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स पर भारी पड़ रहे थे। क्रिश एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को पुलिस के हाथों मरवा देता है और मारिया को बचा लेता है, मगर अभी भी उसे उस बम का पता नहीं था जो ब्लास्ट होने वाला है। सोफिया क्रिश से पूछती है जल्दी बताओ वो बम कहाँ पर है, और क्रिश आगे देखता है तभी बहुत डर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ब्लास्ट अभी कुछ ही सेकंड में होने वाला है, और देखते ही देखते बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी मारे जाते हैं। फिर इस सीन के अंदर एक ट्विस्ट आता है और हमें क्रिश को दिखाया जाता है, वो मारिया के साथ है, इसका मतलब यहाँ से आगे जो भी हुआ ये सब फ्यूचर में होने वाला था। जैसा कि हम जानते हैं क्रिश जब भी मारिया के साथ होता है तब ये 2 मिनट के आगे का फ्यूचर देख सकता है। अब क्रिश को पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्रिश जल्दी से सोफिया को फोन लगाता है जो इसको अभी पकड़ने के लिए यहाँ आने वाली थी। क्रिश कहता है ये इनकी मदद करने के लिए तैयार है, मगर इन सब में मारिया को दूर रखना होगा। सोफिया कहती है जैसा तुम चाहो। इसके बाद क्रिश मारिया से कहता है मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर क्रिश मिशन बम ब्लास्ट को रोकने के लिए यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।